ये एक हैशटैग जो चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। दरअसल इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में फिल्में बनाने का मौका दिया और साथ ही ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में निवेश का निमंत्रण दिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, आरोप तो भगवान राम पर भी लगे, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उनसे, बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। फिल्म मेकर्स और अभिनेताओं ने योगी आदित्यनाथ के सामने अपने दिल की बात रखी। पहले तो आपको बहुत बधाई, मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए, और जब मैं चौतरफा कहता हूं तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री। आज जब मैं देखता हूं कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहां अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8-9 घंटे लग जाते थे एक जमाने में, मैंने वो दौर देखा है। आज एक्सप्रेस वे हैं सबसे ज्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का आलम यह है, छोटा मोटा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में, बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज है जहां हमारा उत्तर प्रदेश जीरो है और वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो वो हम जीरो ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के कि आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा। आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि सज्जनों के कल्याण के लिए और धर्म यानी हमारा कर्म है वो हमारा धर्म है और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो यह महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है। बता दें कि यहाँ बॉलीवुड जगत से कई नामी चेहरे पहुंचे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए शुभकामनाएं दी।